Subscribe now and press the bell icon for latest Bollywood updates. नमस्कार, इन्फ्यूज्ड टू बॉलीवुड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गोलमाल सीरीज के पांचवे पार्ट के बारे में, यानी कि गोलमाल 5 के बारे में। जैसा कि आपको पता ही होगा कि रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी फिल्म गोलमाल सीरीज के सभी पार्ट अब तक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काफी धूम मचाई है और बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा खासा कलेक्शन भी की है। तो बात की जाए गोलमाल 5 के बारे में, यानी कि पांचवे पार्ट के बारे में, तो अब पांचवे पार्ट को लेकर के सोशल मीडिया पर खूब सारी चर्चाएं हो रही हैं। गोलमाल 5 सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में बनी हुई है। बात की जाए फिल्म की सीरीज के बारे में, तो फिल्म की पहली सीरीज यानी कि गोलमाल साल 2006 में रिलीज की गई थी। फिल्म में डांस रोमांस के साथ साथ कॉमेडी सीन बड़े पैमाने पर फिल्माए गए थे। फाइनली बात करें तो फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म बनाई गई थी। फिल्म फैंस द्वारा काफी पसंद की गई थी और फिल्म बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काफी धूम मचाई थी। तो बात की जाए फिल्म के बजट और कलेक्शन के बारे में, तो फिल्म 15 करोड़ के बजट में बनाई गई थी और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन किया था। तो बात की जाए दूसरी सीरीज के बारे में, यानी कि गोलमाल रिटर्न के बारे में, तो साल 2008 में रिलीज की गई थी गोलमाल रिटर्न। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी धूम मचाई थी, फैंस द्वारा ये फिल्म भी काफी पसंद की गई थी। तो बात की जाए फिल्म के बजट और कलेक्शन के बारे में, तो फिल्म 33 करोड़ के बड़े बजट में बनाई गई थी और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन किया था। तो बात की जाए फिल्म की तीसरी सीरीज के बारे में, यानी कि गोलमाल 3 के बारे में, तो इस फिल्म में भी डांस रोमांस के साथ साथ कॉमेडी सीन बड़े पैमाने पर फिल्माए गए थे। फाइनली ये फिल्म भी एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म बनाई गई थी और फिल्म फैंस द्वारा काफी पसंद की गई थी। तो बात की जाए फिल्म के बजट और कलेक्शन के बारे में, तो फिल्म 40 करोड़ के बड़े बजट में बनाई गई थी और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन किया था। तो इसी बीच बात करें गोलमाल सीरीज के चौथे पार्ट के बारे में, यानी कि गोलमाल अगेन के बारे में, तो ये फिल्म भी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काफी धूम मचाई थी, काफी सुर्खियों में थी। फिल्म में डांस रोमांस के साथ साथ कॉमेडी सीन भी बड़े पैमाने पर फिल्माए गए थे। फाइनली ये चारों सीरीज जो कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काफी धूम मचाई थी और चारों सीरीज में कॉमेडी सीन का काफी तड़का था। आपको बता दें कि गोलमाल अगेन ने बॉक्स ऑफिस पर 311 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन किया था। फाइनली गोलमाल सीरीज की जितने भी पार्ट आए हैं सभी सुपर डुपर हिट साबित हुए हैं बॉक्स ऑफिस पर। तो इसी बीच बात की जाए गोलमाल 5 के बारे में, तो गोलमाल 5 को लेकर के सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो खबरें हैं कि फिल्म मेकर्स रोहित शेट्टी सूर्यवंशी की शूटिंग कंप्लीट कर गोलमाल 5 की शूटिंग शुरू कर देंगे। आपको बता दें कि सूर्यवंशी में खिलाड़ी अक्षय कुमार नजर आने वाले हैं, उनकी अपोजिट लीड रोल में कटरीना कैफ नजर आने वाली हैं। इसके साथ साथ इस फिल्म में बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन और शिम्बा रणबीर सिंह नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ खास खबरें जो कि गोलमाल 5 को लेकर के आ रही थी। तो आप हैं कितना एक्साइटेड बॉलीवुड की आने वाले फिल्म गोलमाल 5 के लिए, नीचे जरूर कमेंट करें। फिल्म के बारे में आपका क्या ओपिनियन है और फिल्म में कौन से स्टार कास्ट लीड रोल में होने चाहिए आपकी ओर से, नीचे जरूर कमेंट करें। तो दोस्तों बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें व्हाट्सएप फेसबुक पर और कमेंट करें अगर कुछ कहना चाहते हैं फिल्म गोलमाल 5 के बारे में, स्टार कास्ट के बारे में क्या ओपिनियन है आपका, इस फिल्म में कौन से स्टार कास्ट मुख्य भूमिका में होनी चाहिए, नीचे जरूर कमेंट करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल इन्फ्यूज्ड बॉलीवुड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और घंटी पे जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।